नहीं दिलाना चाहिए था। मेरा घर कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, और जिन लोगों के साथ साथी बैठी हूँ उन लोगों ने सहारा दिया। माशी माशी मम्मा कहाँ है? वो तो बिना जी के घर गई है। मौसी मम्मा कब तक घर आएंगी? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गई। मैंने कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो मेरे अतीत किसी बचपन से जुड़ा हो। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मेम साहब आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ वो फोटो एल्बम ले जानी थी दिखाने के लिए, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, शायद ऊपर बेडरूम में ही होगी, मैं देखती हूँ। मैम साहब। हाँ शारदा क्या हुआ? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? कल रात मेरे जेठ गुजर गए। ओह मामा। मामा
क्या कर रही है? माँ, मुझे ये बैग चाहिए था। बैग? क्यों? वो मम्मा, हमारे ऑफिस वाले कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे। पिकनिक? हाँ, बंजेर हवेली। वापस कब आओगे? यही कुछ 2-3 दिन में। ठीक है, मैं बिना आंटी के घर जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। जी मामा। करीना, करीना, हाँ नहीं कहाँ चली गई? अरे ना, लाइट को क्या हो गया? लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देखकर आता हूँ। करीना, करीना, क्या तुम कर रही हो सब छुपके? ये क्या हो रहा है सब? कौन है? कौन है? कौन है उधर? कौन है? राहुल, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। आप कौन? तुम्हारे लिए एक न्योता लाया। शो में आने का आमंत्रण? एक जोड़े को इसमें आना पड़ेगा, जो एक हफ्ता इस हवेली में रह पाएगा उसे इनाम में हवेली मिलेगी। इस हवेली की कीमत 10 करोड़ है और इसमें आत्माएं रहती हैं। करिया, तुम
क्या बात है राहुल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी। पर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमंत्रण है। आमंत्रण? हाँ, न्योता, एक रियलिटी शो का। आजकल टीवी चैनल्स पे बहुत रियलिटी शोज आ रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है। इसका मतलब तुम टीवी पे आने वाले हो? सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी आने वाली। इसमें पति पत्नी को बुलाया। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे इनाम क्या है? 10 करोड़ की हवेली। 10 करोड़? हाँ, हमें एक हफ्ता ऐसी हवेली में रहना होगा जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। ये देखो, इसमें लिखा है जो जोड़ा एक हफ्ते वहाँ पर रह पाएगा उसके नाम वो हवेली है। Really? डार्लिंग, ये आत्माएं वात्माएं सब बकवास बातें हैं। हम ये हवेली जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? Of course, जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ये इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। और वैसे भी दुर्जन ने कहा है ना कि कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी उस हवेली में। जरूर किसी आत्मा ने ही मारा होगा बेचारी को। जो लड़की मरी है वो उस हवेली की देखरेख करने वाले की लड़की है। हवेली का कोई भी मालिक अब जिंदा नहीं है, बस एक बूढ़ा आदमी जो उस हवेली की देखभाल करता है। पहले से ही खड़े हैं। लगता है ये लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं। रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए। अब हाय, आई एम राहुल। आप लोग वहीं पर जा रहे हैं ना रियलिटी शो में? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग शूटिंग करने आए हैं, रियलिटी शो की शूटिंग। एक्चुअली हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं इस रियलिटी शो पर। हाँ प्लीज, लेकिन ये बात किसी को पता ना रहे, ठीक है? अरे हाँ, मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलाना तो भूल ही गया। करीना, कम या? हाँ राहुल। ये है मेरी वाइफ। हाय। हाय, मैं हूँ यामिनी, ये हर्ष और ये राघव। हवेली मिलने वाली है इनाम में? हाँ, हम जीतने वाले। मेरा नाम राजेश है और ये मेरी वाइफ राधिका। हाय, आप लोग देख लेना, हवेली तो हम ही जीतेंगे। जीतेंगे तभी ना जब वहाँ पहुँचेंगे। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक हमें कोई लेने भी नहीं आया। नहीं, लेकिन आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? नाव यहाँ पड़ी है, आप लोग इसी में बैठ के क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं, हम लोगों को यही इंतजार करने के लिए कहा गया है, कोई हमें लेने आने वाला है। हर्ष, क्या इन लोगों को पता है कि हवेली में आत्माएं हैं? पता नहीं, शायद। लगता है कोई आ रहा है।
गए सब लोग? हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, हम तो तैयार है चलने के लिए। तुम तीनों कौन हो? हम भी इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने हैं। न्योता मिला था तुम्हें? हाँ मिला था। अच्छी तरह सोच लिया ना? हाँ, हम लोग आएंगे। तो ठीक है, तुम सब लोग नाव में जाके बैठ जाओ। पर ये नाव हमें खुद चलानी होगी। सबसे सब कुछ खुद ही करना होगा तुम सब लोगों को। कितनी दूर है हवेली? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा जा रहा है वही करो। एक और बात, यहाँ वहाँ अकेले मत घूमना। सुना है यहाँ आत्माएं घूमती हैं। सूरज निकलने से पहले हवेली पहुँचना है। बैठो। तो लगता है शायद इस बाबा की बेटी मरी हवेली और ये रियलिटी शो रखा है उसने यहाँ पे, जैसे कि बेटी की मौत का कोई दुखी ना हो इसे। पता नहीं आखिर कौन है यहाँ पे और न जाने क्या क्या हो रहा है उस हवेली में। ये सब इनकी चाल है, मैं डराने के लिए। समझी? कोई चाल वाल नहीं है, ये सचमुच की आत्मा है। राजेश वो हमें मार डालेंगे। राधिका देखो तुम बहुत घबरा गई, समझी? तुम बहुत घबरा गई। राजेश मैंने डिसाइड किया है, एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मुझे घर जाना है। राधिका राधिका देखो राजेश, मुझे घर जाना है बस। राधिका 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 रास्ता नहीं घर जाने का, वहां से तुम गलत जा रही हो, मैं भी वहां पर है। राजेश तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वापस जाना चाहते हो उन आत्माओं के पास? देखो राजेश ये रास्ता कहीं तो निकलता होगा, चलो प्लीज राजेश यहाँ से चलो। राधिका राधिका
इतनी जल्दी डर गए? ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था। क्या मतलब? ये सब प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तुम सब लोगों को डराने के लिए। राजेश और राधिका कहाँ हैं? हाँ बताओ, कहाँ है राजेश और राधिका? वो दोनों प्रतियोगी नहीं थे, उन्हें भी हमने ही रखा था। हमारा साथ बस इतना ही था। समय बर्बाद मत करो, सूरज उगने से पहले हवेली पहुंचो। यामिनी, एक मिनट। दश, चले। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं ही थी। न जाने क्या हुआ होगा राजेश और राधिका के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि राजेश और राधिका प्रतियोगी नहीं? हवेली है यार, अगर ये हवेली मेरी हो जाए तो जिंदगी भर काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पर अब आगे क्या करना है, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। भाई कोई है यहाँ पे? है कोई पूछने वाला? ए भाई, कोई है क्या हवेली में? हेलो, अरे कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? कोई है? चलो वहां देखते हैं। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार हम अंदर चले गए तो जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए तो दुर्जय ने हमें यहाँ भेजा है। अगर ये कोई ऐसा वैसा रियलिटी शो होता तो क्या वो हमें यहाँ भेजता? चलो। अरे अंदर जाने का दरवाजा होगा। अरे वो देखो, दरवाजा पे कैमरा लगा हुआ है। देखने में तो पुराने जमाने का कैमरा लगता है, सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने तो सुना था रियलिटी शो में कैमरा छुपे हुए होते हैं, तो बिल्कुल आंखों के सामने है। और वो देखो दरवाजा भी खुला पड़ा। तुमने डरावनी फिल्में नहीं देखी क्या? डरावनी फिल्मों में दरवाजे ऐसे ही खुले हुए होते हैं। अब यही बातें करते रहेंगे कि अंदर भी चलेंगे? अंदर चले? अंदर तो जाना ही पड़ेगा, बिना कुछ रिकॉर्ड किए हम वापस कैसे जा सकते हैं? Thank you.
यार मैंने कई रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। 100-100 लोग होते हैं एक एक यूनिट में, पर यहां तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये हवेली किसी को इनाम में मिलेगी। ये पढ़े लिखे लोग भी आत्माओं पे विश्वास रखते हैं। तुझे क्या लगता है, आत्माएं नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। ऐसा मत बोल, किसी आत्मा ने सुन लिया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहीं कोई आत्मा तो नहीं? चुप है, तो डरपोक है और मुझे भी डरा रहा है। मैं देख के आता हूं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? एक काम करते हैं, नीचे चल के देखते हैं। धीरज से काम, चल चलते हैं। अरे चल ओपन, आ जा आ जा। कोई आत्मा हो? आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, हवा से हिल गया होगा दरवाजा, या फिर कोई जानवर होगा शायद। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, एक काम कर, तुझे एक खड़ा रहो, मैं अभी देख के आता हूँ। किला मत, मैं देख के आता हूँ। अकेला मत जा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू यहाँ खड़ा रहो। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। जल्दी आना, जल्दी आना। दिनेश को कुछ हुआ तो नहीं? दिनेश, 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 दिनेश किधर है? मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। देख, फिर से मजाक मत करना। ए, बने खड़ा वहां पे। मजाक मत करना। मजाक मत करना। देखो कौन है। अरे कहां गया? वहीं पे खड़ा था। ओके गाइस, गुड नाइट। ओके चलो, बाय बाय। शुक्र है, या खाने के लिए तो कुछ मिल रहा है। हर्ष, इसका मतलब है जरूर इस हवेली में कोई तो होगा जो खाना बनाता है। हाँ यमनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कोई तो छुपा हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, कोई और भी है हमारे साथ। ओके बाय। ओके चलो, हम भी निकले।
अरे आप लोग सोने की तैयारी नहीं कर रहे? बस थोड़ी देर में जाएंगे। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। यामिनी जाओ जाके सो जाओ। पर कहाँ? मैं और राधा बहन, तुम जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ। थैंक यू। हॉल में चलते हैं। हाँ चल। जाके सो जाओ। नहीं यार, मैं जागता हूं तुम्हारे साथ। अपनी एनर्जी बचा के रखो, बाद में बहुत काम आएगा। तो ठीक, मैं 2 घंटे के लिए सो जाता हूं, फिर मुझे उठाकर तुम सो जाना। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। पता नहीं इसे क्या हुआ। राघव उठो। ये क्या हुआ तुम्हें? राघव, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? राघव कुछ बोलो। लड़की? कौन सी लड़की? वो लड़की, मुझे छूकर गई। छूकर गई? उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा ठंडा था।
बचाओ हमें नहीं रहना है। क्या हुआ? हमें नहीं रहना है। वो लड़की हमें मार डालेगी। मेरे सपने में भी एक लड़की आई और जिसने मुझे छुआ था, मेरे सपने में भी उसके आगे रखी हुई थी घूंघट से, और मुझे भी ठीक यही सपना आया था। उस लड़की ने मुझे छुआ, उसने मुझे भी छुआ यहाँ पर, तब से मेरा हाथ नहीं हुआ। मेरा भी राघव, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? ऑटो नहीं चल रहा यार। मतलब जिस जगह उस लड़की ने तुम लोगों को हाथ लगाया है वो जगह स्टन हो गई है। आगे है कौन ये लड़की और क्यों कर रही है वो हमारे साथ ऐसा? जरूर ये कोई आत्मा होगी। मुझे देखने दो। तो पल्स, इसकी नब्ज बंद हो गई। नब्ज बंद हो गई? ए भगवान, ये नहीं हो सकता। नीरज, सारा रुक जाओ। इसकी छाती पे दोबारा मार कर देखो, शायद धड़कन शुरू हो जाए। ये क्या? इसकी छाती पर वही काला निशान है। मतलब उस लड़की ने धीरज की छाती पर अपना हाथ रखा और धीरज का दिल धड़कना बंद हो गया। लड़की, इस हवेली में किसी लड़की की आत्मा है जो सपने में आकर लोगों को छूती है, और जहां पर भी वो छूती है शरीर का वो ऐसा काम करना बंद कर देता है। इस तरह तो हम सो ही नहीं पाएंगे। पर मैं भी तो सोई थी, वो लड़की मेरे सपने में तो नहीं आई। मेरे सपने में भी नहीं आई थी वो। इसका मतलब है वो सिर्फ लड़कों के सपने में थी, लड़कियों के नहीं। यानी वो सिर्फ लड़कों के जान के पीछे है। अगर हर्ष ने मुझे नहीं उठाया था तो वो मेरी छाती को छूकर मुझे भी मार देती। अब जब तक हम लोग इस हवेली से निकल नहीं जाते कोई लड़का नहीं सोएगा। Thank you.